कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। सोशल मीडियाची आपल्याला सवय पड आहे आणि गरज पड, 400 करोड़ लोग के आसपास डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करते हैं और यही संख्या आकर्षित करती है क्राइम की गतिविधियों। कहीं बैंक्स के सर्वर पर मैलवेयर अटैक से हैकर्स ने करोड़ों रुपए निकाल लिए और किसी की रिलीजन, फेथ, कलर, कास्ट और क्रीड पर कमेंट करने से पहले दो बार सोचिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी की हयाती खराब करना आप पर भारी पड़ सकता है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर न करें। जो नाम कमाने में आपको उम्र भी चाहती है वो कुछ ही पलों में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा। जो न्यूज या इन्फॉर्मेशन कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं उन्हें प्लीज फॉरवर्ड। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह का बिहेवियर साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। अनेक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नौजवानों को मिसलीड कर उन्हें इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। रेगुलरली अपने बच्चों से बात करते रहें। अगर कोई बैंकर या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स, CVV पिन या फिर OTP मांगे तो कृपया ना दें। कुछ साल पहले एक मुंबई में रहने वाली महिला रिपोर्टर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का शिकार बनी। इथे आपले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप होतो तेव्हा अशी शक्यता असते की कार्ड स्कीमर वापरून आपल्या कार्डचे डिटेल्स चोरले जाऊ शकतात। क्योंकि महाराष्ट्र साइबर सेल आप लोगों के पीछे पड़ा है जो के साइबर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट साइबर स्पेस में सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम कर रहा है और आप भी इसमें अपना सहयोग दें, एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन बनकर। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट आपको हर तरह के साइबर क्राइम्स जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, फिशिंग अटैक्स, हेट मेल्स, फेक न्यूज, इन सभी से सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। कृपया ध्यान दीजिए।